हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शन से आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बताएंगे और प्लस में आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। और हाँ, वीडियो आप देख रहे हैं तो पेन पेपर लेकर के बैठें, ताकि आप कुछ नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वगैरह को भी आप लिख लें। ठीक है, और आपको जानकारी दे देते हैं कि इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट है या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी का आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि इसी तरह से हम आपको क्लास 12th में मदद करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और NDA, CDS, JSSC, JPSC टोटल चीज़ का आपको क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत काम का ये चैप्टर, इस चैप्टर से मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो देखिएगा कि क्या कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रहता है या फिर बाहर से भी रहता है, तो ये आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट से दोस्तों इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आएगा अभी आगे सॉल्यूशन करने में। तो इस पॉइंट्स को आप देख लीजिए, और अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा इस सारे पॉइंट को। तो हम कोशिश करेंगे कि आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काम अभी क्वेश्चन में सभी काम आएगा। ठीक है, तो इस ये जो भी ये सब पॉइंट है सब आप लिख लीजिए, ये सब आपका काम आएगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रखा है। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट वाला के साथ कंपेयर करेंगे। तो बताइए एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाए, यानी एक्स बराबर है 2। ठीक है, तो x बराबर 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है हमें, b, इसीलिए हम आगे सॉल्व नहीं किए, तो ऑप्शन नंबर b आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप y का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में भी देखिए वही कह रखा है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो फिर से कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो 3 माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर 2 किस ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में है। तो चलिए y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये माइनस में है, 2 माइनस में है, तो उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी y बराबर 3। तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तो ए सही हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर कर दीजिए इससे। तो कंपेयर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो प्लस वन है उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर रख देंगे माइनस वन। अब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 - 3/3। इसको सॉल्व कीजिए तो 2/3, और 2 इधर दे, सॉरी 3 इधर क्या में है, डिवाइड में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 और 3 हो जाएगा ख़त्म, तो कितना बचेगा, 2। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 आया। तो देख लेते हैं x का वैल्यू 2 है और ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है, x का वैल्यू 2, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी टिक मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन वाला में यही फायदा होता है कि आप एक सॉल्यूशन करते हैं तो उसी से आपको आंसर मिलता जुलता दिखने लगता है, तो आप आगे सॉल्व करने के प्रयास मत कीजिए, ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें कह रखा है कि इफ़ सेट ए एंड बी हैज 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देखिए तो ये आपका फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब भी आपको ऐसे निकालना रहे, एलिमेंट्स पूछ दें, ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 3 और कितने बी में है, तो 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए इसमें भी वही है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, तो इसमें कह रखा है ए क्रॉस बी दिया हुआ, आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ, तो इसमें ए सेट का क्या एलिमेंट है वो आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो जो पहले ए आया है ना, तो ये सब जो आपको दिख रखा है, ठीक है, ये ए सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो ए
और बी है, क्योंकि रिपीट वाला को नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा, तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 में आते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर भी वैसे ही है, तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि बी सेट का यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है। तो सेकंड में बी आए, तो सेकंड ऑर्डर वाला है, ये बी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक्स और वाई मिल रहा है ना, तो एक्स और वाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, हाँ, इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिला 1 और 2 मिल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सी में कितने एलिमेंट है, तो सी में एलिमेंट 2 है, और इसमें कितने एलिमेंट है, तो इसमें भी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसमें सेट ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 बार है, तो 2 × 2 × 2 तो कितना आ जाएगा, 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, फिर से वही सवाल है, तो आपको यहाँ पर अब कि मैं इस तरह से करके दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है, इफ़ सेट ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो ऐसे रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन आर ए टू ए इस तरह से डिफाइंड है, तो आपसे पूछ रखा है, ये रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू दिस, तो आपसे पूछ रखा है कि डोमेन, देखिए डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है, आपको शॉर्ट में बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मान लीजिए कि कोई दो सेट है ए और बी। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाते हैं डोमेन। ठीक है, ये सब कहलाते हैं डोमेन, और इसमें जो भी है, जैसे 1, 2, 3 ये सब जो भी है, ये सब क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, और जिसका मैपिंग हो रखा है उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, तो अगर आपसे रेंज पूछें कि रेंज क्या है, तो आप कहेंगे इसको 1 और 2 को। ठीक है, इस 1 और 2 को नहीं, इस 1 और 2 को कहिएगा रेंज। तो कहिए कि 3 क्या है, तो 3 टोटल ये सब को कहेंगे कोडोमेन, और रेंज की बात करें तो सिर्फ रेंज उसी कहेंगे जिसका मैपिंग हो रखा है, जिसका प्री इमेज होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। चलिए, तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, डोमेन है, तो पहले वाला सेट में जो भी रहता है वो डोमेन रहता है, तो यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बता दीजिए। तो जब आप रखिएगा यहाँ पर, जब रखिएगा एक्स का वैल्यू 1 रखिएगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स 1 रखें तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 2। चलिए, अगर आप रखते हैं एक्स का वैल्यू 2, अगर एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं, तो कितना जाएगा वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर आप रखते हैं एक्स का वैल्यू 3, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 4। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है। अगर आप x का वैल्यू रखते हैं 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। क्या इस सेट में है, नहीं है, तो इसीलिए ये वाला को नहीं लेंगे। तो बताइए, फर्स्ट वाला जो आ रहा है, ये सब आपका क्या है, डोमेन है, तो ये डोमेन है, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में, देखिए इसको, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को बताने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पूछ रखा है क्या, ए सेट दिया हुआ है और रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए, यानी कि ये भी सेट ए है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये भी सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, ये भी सेट है। ठीक है, ए टू ए है, चलिए ए टू ए है। चलिए, तो इसके बाद आपसे पूछा है रेंज। ठीक है, रेंज पूछा है, रेंज क्या किसके बराबर होगा, तो रेंज उसी को कहते हैं जिसका मैपिंग हो रखा है। तो मैपिंग कैसे करवाएं, तो ये रिलेशन आपको दिया, वाई बराबर दिया हुआ एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ आपको। तो चलिए, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 + 1, y का वैल्यू कितना जाएगा, 2। चलिए, अगर y का वैल्यू अगर हम रखते हैं कितना, y का वैल्यू अगर सॉरी x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और कोई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जो इसका मैपिंग हुआ उसी को कहते हैं रेंज। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर है ए में, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रखा, सवाल तो वही है लेकिन पूछ दिया है कोडोमेन, तो किसका भी कोडोमेन में मैपिंग नहीं हो रखा था, फर्स्ट वाला को डोमेन कहते हैं, सेकेंड वाला कोडोमेन में, तो 1, 2, 3, 4 तो 2 का मैपिंग हुआ था, 3 का हुआ था, 4 का, लेकिन कोडोमेन में सबको लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा, तो आप कमेंट जरूर करें और दोस्तों लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछ रखा है, इसमें देखिए वही पूछ रखा है कि अभी आपको बताएं कि डोमेन, कोडोमेन उसको कहते हैं जिसमें जितना एलिमेंट है सबको, लेकिन रेंज उसको कहेंगे जिसका मैपिंग हो रखा है, ठीक है, जिसका मैपिंग हो रखा है तो उसको रेंज कहें। तो सपोज कर लीजिए किसी का मैपिंग नहीं हुआ तो उसको वो कोडोमेन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेंज क्या है, रेंज है सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो आर क्या है, कोडोमेन है सी का, तो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही पूछा था, रिलेशन पूछ रखा था कि रेंज और कोडोमेन में रिलेशन क्या है, तो सबसेट का है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका, देखिए इसमें पूछ रखा है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो अब नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रखा है, तो इसका फॉर्मूला आप एक लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन जब भी निकालना रहे तो इसका होता है 2 to the power PQ, ठीक है। PQ क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको रख दीजिए। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2, फिर इसमें भी कितने, बी में कितने, तो इसमें भी 2, तो 2 to the power कितना हो जाएगा, 4, तो किस 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में था। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए, सेट ए इतना दिया हुआ है और सेट बी इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिलेशन, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, तो 3 × 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3। अब आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि कहाँ पर इसका है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसमें पूछ रखा है इफ़ एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, तो जब भी ऐसे कहे कि आर बी रिलेशन डिफाइंड एन, तो मतलब एन टू एन है, ठीक है, यानी कि पहला वाला सेट में भी एन नेचुरल नंबर, दूसरा वाला में भी नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा है। तो आपसे क्या पूछ रखा है, तो आपसे पूछ रखा है डोमेन, तो डोमेन किसके बराबर होगा, तो डोमेन किसको कहते हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसमें भी नेचुरल नंबर, तो यही वाला पार्ट तो है डोमेन, तो डोमेन आपका हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। अगर कोडोमेन बोलता तो वह भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 वही सवाल है, इसमें कोडोमेन पूछा है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको रेंज पूछता तो रेंज के लिए जो आपका रिलेशन दिया हो इस पर हम वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यही सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में वही सवाल है, तो आपको पता है कि दोनों सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है, और हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर रेंज पूछा है, तो रखिए इस पर, तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेगा तो 6 आएगा, मतलब आप देख रहे हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर तो मिल रहा है, लेकिन सभी के सभी इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो ऑड नहीं मिल रहा बल्कि इवन मिल रहा है, तो इवन किस में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इसमें इसमें आपका एक क्या है, आपको फंक्शन पूछ रखा है कि ये जो डिफिनेशन दिया हुआ है इस तरह से जो होते हैं वो किस फंक्शन में होता है, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टाइप आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि किस फंक्शन में होता है, तो ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताए जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा होता है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन में होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में और थोड़ा सा आपको बता देंगे अगर आप भूल गए, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। इसका अगर आप ग्राफ देखें, ठीक है, तो अगर इसका आप ग्राफ देखें तो इस तरह का होता है ऐसा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपको इस तरह का बताया गया होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लीजिए ऐसा, तो इसीलिए इसका डोमेन भी रेंज होता है
डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो ये था आपका कॉन्स्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। कॉन्स्टेंट फंक्शन भी बता रहे हैं आगे इसका है। देखिए तो यहाँ पर वही सवाल पूछा है, आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होगा डोमेन, तो डोमेन क्या होगा रियल नंबर, ऑप्शन सी मार दीजिए सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया सही। इसके बाद चलते हैं 22 में। 22 में भी वही पूछा है, को डोमेन पूछा है, तो इसका भी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियल नंबर सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 में भी वही सवाल पूछा है, इसमें तो पूछा है कि जो ग्राफ होता है फंक्शन का वो कैसा लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए अभी इसे जो बनाए थे यही स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये जो आपको बता रहे हैं एमसीक्यू, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको कर लीजिए तैयार, और आपका हर चैप्टर को आपको इसी तरह से हम बताते रहेंगे, तो आपका रिविज़न और एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव चाहिए चाहिए तो उसका कहिएगा, उसका भी हम बना देंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखिए पूछ रखा है कि ये वाला जो सी है वो कॉन्स्टेंट है, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, तो पहले ही बोल दिया है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ फंक्शन है जिसको आप याद रखें। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसका क्या होता है रेंज और इसका क्या होता है डोमेन, ठीक है। तो रेंज तो जो आपका रहेगा यहाँ पर, जैसे 5 है तो रेंज आपका 5 हो गया, 6 है तो 6 हो जाएगा, लेकिन जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इस तरह से आप बनाइएगा इसका ग्राफ, अगर 5 है, अगर इसका 5 है रेंज, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, ऊपर में ऐसे रहता है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25। 25 में देखिए, तो 25 में देखिए रेंज पूछा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज जो नंबर रहेगा वही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या पूछ रखा है, तो 26 में यहाँ पर पूछ रखा है लाइन के बारे में, ग्राफ के बारे में, कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से जो बनाए थे ये लाइन, तो ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है ये वाला लाइन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखिए, हाँ ये भी एक डिफिनेशन है, तो आपको इसको देख करके याद आ गया होगा कि किस तरह का ये फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में और आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका एन है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ये जो आपका एन है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसका रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका बताइए, रेंज और कोडोमेन पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन इसका जो हो जाएगा वो, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन आपको बता दें पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में देख लीजिए इसमें क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रखा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस तरह का फंक्शन है, सॉरी अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस प्रकार के जो फंक्शन है, वेयर पी एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्स इज नॉन एज रेशनल नंबर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तभी ऐसा होगा जब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए इसमें क्या रखा है, इस तरह का देखिए, तो ये क्या क्या चीज का साइन है, तो मोड का है, तो मोड का है, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मोडलस फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोडलस फंक्शन के बारे में आप बताएगा इसका क्या होता है डोमेन और इसका क्या होता है रेंज, ठीक है। कमेंट करके आप जल्दी से बताइए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट है, हाँ इसका ग्राफ आपको बता देते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है इस तरह का ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, इस तरह से इसका ग्राफ होता है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड होता है, जो आपसे पूछ रखे थे, ठीक है। अभी पूछे थे ना कि इसका रेंज और डोमेन बताएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रखा है, इसका इस तरह से डिफाइंड होता है, तो इस तरह से डिफाइंड होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो ए सही हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इसका एक आता है माइनस में आएगा और एक आता है प्लस में आता है, ठीक है। तो एक माइनस में और एक प्लस में आता है, तो एक माइनस और प्लस आता है और ये कंडीशन रहता है। तो मॉडुलस फंक्शन का आपको ग्राफ बता दिया और ये आपको डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर
31 क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए इसमें क्या कह रखा है। तो ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पर ये इसका पूछ रखा है कि क्या ऑप्शन होगा। तो ये जो आपको दे रखा है ठीक है, इस तरह से जो फंक्शन दे रखा है ये होता है सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। सिग्नम फंक्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन का, और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए ग्राफ इसका इस तरह से होता है, यहाँ पर इसका ग्राफ, क्योंकि ये जो वन है, वन ऊपर में यहाँ पर खाली जगह छोड़ते हुए इधर का एरो होता है, और यहाँ पर खाली जगह छोड़ते हुए इधर का एरो होता है, ठीक है, इस तरफ का होता है। तो ये है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये तो था आपका 31, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। इसमें देखिए क्या कह रखा है, इफ़ द फंक्शन, इस प्रकार से फंक्शन दिया, तो सिग्नम फंक्शन है तो आपसे रेंज पूछ रखा है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका बताइए कि रेंज क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो इसका रेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको जो ग्राफ बताए थे उसमें -1, 0 और 1 था, इस तरह से जो बताए थे। तो यहाँ पर 0 है और इधर है 1 और इस तरफ है -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कह रखा है कि टू रियल फंक्शंस देन एफ प्लस जी। तो ये बहुत आसान है, इसको क्या करना है, आपको दो फंक्शन जो दिया हुआ है तो ऐड कर दीजिए दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1। तो ये किस ऑप्शन में, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन को ऐड किया हुआ था इसलिए दोनों को ऐड कर दिए। इसके बाद 33 है, 33 में देखिए क्या कह रखा है। तो इसमें डोमेन पूछा है कि डोमेन क्या होगा, रिलेशन क्या है, तो आर बी द रिलेशन ऑन एन, ठीक है, एन है। तो चलिए डोमेन पूछ रखा है, तो डोमेन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है डोमेन, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है और इसमें भी नेचुरल नंबर है, यानी कि रिलेशन जो हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो रखेंगे इस पर वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि ये सब सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो क्या वैल्यू रखें कि इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 8, इस तरह से लिखा हुआ है। तो y बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, तो x उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 2 मल्टीप्लाई में है y का तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। अब x का वैल्यू रखें, तो अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1, यानी कि 7/2। क्या ये रियल नंबर है, नहीं, तो आप एक्स का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, 1 नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद अगर हम 2 रखते हैं, 2 तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 6 को कट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, यानी कि 2 आप लिख सकते हैं डोमेन में। चलिए इसके बाद एक्स का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर आ जाएगा, ऑड कटेगा नहीं, ऑड नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, ऑड नहीं मतलब फ्रैक्शन में होता नहीं है नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आप यहाँ पर रखे थे अभी 3, अगर 4 रखेगा तो 4 आपको आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, 6 भी रखेगा तो आ जाएगा। उसके बाद कहेंगे सर 8 रखेंगे तो 8 रखेगा तो हो जाएगा 8 माइनस 8, यानी कि 0 हो जाएगा, और 0/2 है तो 0 हो जाएगा। क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो यही 3 होगा, 2, 4 और 6, ठीक है। तो 2, 4, 6 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका है सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 35 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रखा है, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है यहाँ से आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो रखिए, ठीक है, -1 बताइए, ये तीनों में से कहाँ पर -1 मिलेगा, ठीक है। तो -1 जो आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको -1 मिल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू इसमें तो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6 होगा। -1 जो आपको वैल्यू मिलेगा वो इसमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है x का जो वैल्यू है वो या तो 1 होगा और नहीं तो 1 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में जाएगा, तो आप -1 इसमें बैठाएगा। तो चलिए -1 यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिए। अब 2 बताइए किस में मिलेगा, तो 2 आपको इसमें सेकेंड वाला में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ कंडीशन कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा लेकिन 3 से बराबर या छोटा होगा, तो 2 इसी के बीच में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस, अब 4 कहाँ पर मिलेगा, तो ऊपर वाला फंक्शन में मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा तो रख दीजिए 2×4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर
36 में क्या कर रखा है, द रेंज ऑफ रिलेशन इतना, ठीक है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड एक और वो खुद एक और खुद वो नंबर होता है, यानी कि जैसे कि एक इसका जैसे कि ले लेते हैं दो, दो एक प्राइम नंबर, क्योंकि इसको फैक्टराइज कीजिए तो एक और दो आएगा। तीन भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। पाँच भी प्राइम नंबर है, सात भी है, ठीक है, इसके बाद आपका 11 भी है, तो इस तरह का आपका प्राइम नंबर है। अब इसमें कह रखा है कि क्या होगा, इसमें रेंज पूछ रखा है, ठीक है, और कंडीशन इस तरह से दिया हुआ कि एक्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लेकिन 13 से छोटा, क्योंकि लेस देन बोला है तो 13 से छोटा है, तो कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 तो होता ही नहीं, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर 2 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 5, 7, 11 ये सब आपका है, ठीक है, ये सब आपका है। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रखा है, 36 का ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो अगर आप मारते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रखा है, रेंज पूछ रखा है, ठीक है। और रेंज किस में होता है, तो रेंज आपका इसमें होता है, फर्स्ट वाला तो आपका डोमेन है, सेकंड वाला को डोमेन, तो को डोमेन में ही मिलेगा। तो ये सबको अगर आप रखिएगा, ठीक है, ये सबको आप रखिएगा एक्स के जगह पर, तो आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो अगर दो को रखे तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तीन का रखे तो तीन का स्क्वायर कितना होगा, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद टिक मारिए, ठीक है, नहीं तो एक दो आपको मिल गया बस तुरंत टिक मार दिए, हो जाएगा गलती, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आया समझ में, पहले तो प्राइम नंबर लिख लेंगे, प्राइम नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि रेंज पूछा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 41, ठीक है, तो 41 नहीं था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 36 था तो ये आपका 37 है। देखिए इसके बाद इसमें क्या कर रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में कि एक्स और वाई का दोनों का क्या होता है, सेम होता है, तो सेम होता है तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रखा है, ठीक है, क्योंकि उसका रेंज भी रियल नंबर और डोमेन मतलब कि डोमेन और उसका कोडोमेन भी रियल नंबर होता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, एफ एक्स पूछ रखा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि ये वाला जो आपका वैल्यू है, ठीक है, एक्स प्लस वन, वो सभी ऑप्शन में आप रह करके चेक कीजिए, ठीक है, जब चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, ये वाला अगर जिस ऑप्शन में मिल गया, ठीक है, जिस ऑप्शन में मिल गया वही ऑप्शन टिक मार देना है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा ऐसा, ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है यहाँ पर, देखिए ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वन, ये आपको इतना दिया हुआ है, लेकिन आपसे एक्स प्लस वन नहीं पूछा, आपसे सीधा पूछा है कि एक्स क्या हुआ, मतलब इससे पहले वो क्या था फंक्शन, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आप करके देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 39 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या पूछा था, रेंज पूछा था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 40 है, 40 में देखिए क्या पूछ रखा है, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, तो पहले बी है तो पहले बी वाला का एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर वन ये किसका एलिमेंट है, ए का है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन में तो देखिए इसमें क्या है, तो इसको कैसे लिखेगा, टू है तो पहले टू को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे वन को, तो इस तरह से जब बनाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 में देख लीजिए, 41 में यहाँ पर ए दिया हुआ है और आपसे ए क्रॉस ए पूछ रखा है, तो ए क्रॉस ए पूछ रखा है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही पकड़े, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 42 क्वेश्चन नंबर, तो देखिए इसमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रखा है, ए के इक्वल, तो पहला वाला ए ही है, ठीक है, ए सेट का ए एलिमेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट वाला लेते हैं, 3 लेंगे और 5 लेंगे, 3 और 5 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद आपका 43 में देखिए, इसमें भी वही सवाल है, ठीक है, इसमें भी वही तो सवाल है, इसमें क्या पूछा है, लेकिन बी का पूछा है, तो सेकंड वाला है बी का, क्योंकि बी सेकंड में, तो सेकंड वाला, ठीक है, तो 2 और 4 आपको मिल रहा है, तो 2 और 4 किस ऑप्शन में, सी में है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ें तो 44 है, 44 में देख लीजिए क्या पूछ रखा है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, तो पहले ए सेट में क्या है, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको लिख देते हैं। तो एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा, तो 1, 2 और 3, 3 से छोटा और बराबर भी है। चलिए बी में कौन कौन है, बी में है आपका होल नंबर है और लेकिन 2 से छोटा है, तो होल नंबर में 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपसे ए क्रॉस बी पूछा है, तो जब इसको ए क्रॉस बी निकालेगा तो ऑप्शन नंबर जो आपको सही मिलेगा वो कौन सा आ जाएगा, देखिए जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आपसे पूछ रखा है कि ए क्रॉस बी क्या इक्वल होता है बी क्रॉस ए। तो याद रखेगा कि यहाँ पर एक गुना नहीं है कि इक्वल आप कह दीजिएगा, ठीक है, ये है आपका रिलेशन, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें पूछ रखा है कि होना चाहिए कब ऐसा होगा, ठीक है, तो तब ऐसा होगा जब ए इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं, इसको ऐसा बिल्कुल भी इक्वल नहीं मानिएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कब होगा ये पूछा है, मस्ट हैव लगाया हुआ है, मस्ट हैव लगाया, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है, ऐसा होगा तभी ऐसा संभव है और नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो समझ में आए, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, इसमें ए बी सी 3 सेट है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपका, चलिए तो 47 ये रहा आपका, इसमें भी वही फॉर्मूला ही पूछा है, ठीक है, तो फॉर्मूला पूछा है तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 48 में देखिए, ये तो बिल्कुल अभी फॉर्मूला आपको बताए थे कि जब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना रहा है तो 2 to the power PQ कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद है 49 है, 49 में क्या कर रखा है, किस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, तो ये आपका जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में, जब तीनों होता है तब उसको हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इसके बाद है 50 है, 50 में देख लीजिए फिर से वही सवाल था कि -2 आपसे पूछ रखा है, तो बताए -2 बताए इसमें से कहाँ पर -2 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और ये x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब माइनस में जाएगा, मतलब इसी फंक्शन को लेंगे तो 3x, x जगह पर कितना रखें -2, इसके बाद है -2, तो -6 -2 कितना हो जाएगा -8, तो -8 किस ऑप्शन में, तो जिसमें वो टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद है 51, तो 51 देख लीजिए, इसमें कह रखा है 51 में कह रखा है अ रिलेशन डिफाइंड बाय इतना, तो ये रिलेशन है, तो ये क्या रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, ठीक है, तो ये नॉट अ फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब इसमें कह रखा है, देखिए 51 में कह रखा है कि फंक्शन, तो फंक्शन कब होता है, जब इसका 1-1 मैपिंग हो रखा है, ठीक है, 1-1 मैपिंग होता है तब, ये नहीं कि 1 को 2 से हो गया है तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है, इसलिए फंक्शन ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएँ, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, 52 में क्या कह रखा है कि आपको, अच्छा वैल्यू यहाँ पर पूछ रखा है, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो रख दीजिए इसमें, ठीक है, तो x के जगह पर रखेंगे 5, जहाँ पर f लगा है वहीं उसी का वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू नहीं, तो नीचे में सोल्व करें, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 5 को जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस है फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 25 में से 1 जाएगा तो 24/4 कट कर दीजिए तो आ जाएगा 6, तो 6 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 53 में देखिए, इसमें पूछ रखा है कितना क्या होगा, ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स को फिर से एफ एक्स में रखना है, तो फिर से रखना है, तो एक्स के जगह पर देखिए एक्स के जगह पर इतना रखेंगे, इसको रखेंगे, तो चलिए इसको रखते हैं, तो ऐसे लिखा हुआ था, लिख दिए माइनस है, अब एक्स के जगह पर फिर से रखेंगे उसी फंक्शन को, रख दिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ ऐसा आएगा, जब इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स ऐसा आएगा जब सॉल्व कीजिएगा, तो ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दीजिएगा तब आपका ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, तो
तो माइनस को कॉमन निकाल दीजिए तो इतना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था 53। इसके बाद है 54। इसमें द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, इसका आपसे पूछ रखा है क्या, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे जीरो कब कब आएगा, अगर हम माइनस वन रखेंगे तब वो जीरो आ जाएगा, अगर प्लस वन रखेंगे तब वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो डोमेन डिफाइंड होगा इसको छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर, तो रियल नंबर में से निकाल देंगे इसको, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद है 55 है, 55 देख लीजिए, फिर से वही सवाल है ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स में फिर से वन बाय एक्स रखेंगे और ये नीचे तो चल जाएगा ऊपर, तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक मार दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका है 56। 56 में देख लीजिए, तो इसमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सेट ए में इतने एलिमेंट है और इसमें इतने एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 to the power के जगह 2 × 3 यानी कि 2 to the power हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका है 57। 57 में देख लीजिए, इसमें आपको F3 का वैल्यू पूछा है। तो 3 कहाँ पर मिलेगा बताइए जल्दी, 3 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसी में 3 मिलेगा। तो चलिए इसको रख देते हैं 3, तो 3 प्लस 1 12 और 1 13, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद है 58 में देखिए क्या कर रखा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो बताइए -2 एक्स का -2 इसमें किस ऑप्शन में मिलेगा, तो -2 यहाँ पर मिलेगा इसमें, तो इसमें -2 रख दीजिए। तो -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -2 यानी कि -8 आएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और 2 कहाँ पर मिलेगा, तो इसमें मिलेगा। तो 2 जब रखिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 8 और 1 9, और इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 1। तो 1 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका है 59। 59 देख लीजिए क्वेश्चन, बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा। तो पहले बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो देखिए बी में जो एलिमेंट है वो है 0 है, 1 है, 2 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, इसलिए नहीं लिए, ठीक है। और ए में कौन कौन से हो जाएगा, तो ए में यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 इतना आ जाएगा। अब इसको आपको बी क्रॉस ए करना है। अभी इससे पीछे देखे थे तो उसमें ए क्रॉस बी पूछा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी क्रॉस ए पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सही पकड़ें, सी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि इन जनरल ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है। देखिए अभी पिछला वाला मैं आपको वहाँ पर बताया था कि इक्वल नहीं होता है, तो वही सवाल पूछ दिया है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इसके इक्वल नहीं होता है, बी क्रॉस ए के, ठीक है, लेकिन कब होगा, जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तब, तो वहाँ पर वही कंडीशन था, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए इसके बाद है 61। 61 में देखिए क्या पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर रखना है, तो रखिएगा 1.1 को, तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये आ जाएगा 1.21, ठीक है। फिर माइनस 1 को जब यहाँ पर रखेगा तो 1 का स्क्वायर 1, और इसके बाद कितना नीचे जो है उसको लिख दीजिए 1.1 - 1। इसको जब दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा तो वो जो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको मिलेगा, ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 62। 62 में देखिए क्या कह रखा है, ये भी वही सवाल है। तो 2 को रखेंगे इसमें, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है 49, जैसे वैसे इसको ले रख दीजिए 7/49, और इसको कट कर दीजिए तो 1/7, 1/7 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। टफ सवाल नहीं आएगा दोस्तों, बस आपको वहाँ पर क्या करना है, समझना है और आंसर सही से सॉल्व करके और टिक मार देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछ रखा है प्री इमेज किसका, तो प्री इमेज पूछ रखा है 5 का, ठीक है। तो चलिए इसमें रखते हैं, क्या रखें वैल्यू कि आपको मिलेगा 5, ठीक है, जिसको रखने पर 5 मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा, 5 का प्री इमेज हो जाएगा। प्री इमेज किसको कहते हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दें तो प्री इमेज किसको कहते हैं, क्या आपको पता है कि प्री इमेज किसको कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं कि इसमें जो प्री इमेज होगा, ठीक है, इसमें प्री इमेज होगा 5 का क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इसका प्री इमेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्री इमेज जो कहते हैं, तो आपको मैपिंग और डोमेन और को डोमेन बताएं तो क्या आपको याद है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो डोमेन वाला होता है, जो डोमेन होता है वो आपका इमेज रहता है, और जो को डोमेन होता है इधर वाला जो होता है आपका
कौन क्या होता है, तो इधर वाला जो होता है आपका इमेज होता है और इस तरफ वाला जो होता है आपका प्री इमेज, यानी कि कोड डोमेन आपका प्री इमेज होता है। तो यहाँ पर क्या रखें कि इसका सॉल्व करने पर 5 आ जाए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम रखते हैं किसको, 2 को, ठीक है, अगर हम रखते हैं 2 को, तो 2 को रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2 को जब रखिएगा, तो अगर आप 2 को रखते हैं यहाँ पर किसको, प्लस 2 को रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -3 आ रहा है, तो नहीं ये नहीं है। इसके बाद अगर आप -2 को रखते हैं, तो -2 को रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप याद रखें, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, को डोमेन, रेंज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको अगर एक अलग वीडियो में जरूर अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो देखिए आपके -4 का पूछ दिया है, -4 का क्या होगा, तो फिर से वैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर रखते हैं 1 को 1 प्लस 1 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप रख के देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 65 में, देखिए 0 का प्री इमेज पूछा है, तो जब आपको रखिएगा इसको, ये भी रखिए तो भी आपको मिलेगा 0, और इसको भी रखिए तो भी आपको मिलेगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 66 में, देखिए ऐसा वाला सवाल तो पीछे बनाए थे, ठीक है, ऐसा वाला सवाल में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है, ये मिला, और सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2, तो इसमें 2 है और इसमें 2 है, ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, तो बी हो जाएगा, अच्छा सॉरी, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा था, तो 2 के पावर लिखेंगे 4, ठीक है, 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, हम नहीं ध्यान दिए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर ये था 66, इसके बाद है 67, टोटल आपको 70 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद आपको ए, सेट ए में इतना दिया, सेट बी में इतना और सेट सी में इतना, तो इस पर आपको सॉल्व करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है ए और बी में, तो ए और बी में जो आपको मिल रहा है वो 2, 3 मतलब 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए और सी में, तो ए और सी में कितना मिला, इसमें भी 2, ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यानी कि आ जाएगा 16, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 68, तो इसमें क्या पूछा है, द रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन एफ इज अ सबसेट, तो ये किसका सबसेट होता है, जल्दी से बताए, आपको ऊपर अभी बता चुके थे, ठीक है, तो इसका जो सबसेट होता है वो कोड डोमेन का होता है, रेंज किसका सबसेट होता है, कोड डोमेन का, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 69, ये भी सवाल आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं, इसका आप सॉल्यूशन करके और बताएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है, या फिर हमारा सिर्फ ऑप्शन देकर आप टिक मार दीजिए, इसका ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, यानी कि 8, आप कैसे 8 आएगा आप कमेंट करके बताएगा, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये आप बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो है 70, तो 70 में देख लीजिए, विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या कह रखा है, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, नहीं सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हाँ सभी फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास 11th जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी का आपको अपलोड करते रहेंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए हमें, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।